दमोह घंटाघर चौक पर सिंधी समाज व भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अमर शहीद श्री हेमू कालानी जी के 76वें बलिदान दिवस पर मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसे भी हमें आजादी बिना फाट के बिना ढाल, वास्तव में ऐसा नहीं। ऐसे हेमू कालानी जी जैसे लाखों लाख वीरों ने अपनी जान की नौछावर किया है, अपना सर्वस्व नौछावर किया है, तब जाकर इस देश को आजादी मिली। बच्चे को खेलने की उम्र होती है तब इन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। निश्चित रूप से महान क्रांतिकारी, महान जो अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग हुए, उनमें हेमू कालानी जी का नाम अमर शहीदों के रूप में और सरल अक्षरों में लिखा गया है। ये खाली सिंधी समाज के लिए गौरव की बात है। जिन्होंने 19 वर्ष की आयु में देश में स्वदेशी की स्थापना एवं आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस अवसर पर सिंधी समाज युवा मोर्चा के सदस्य एवं नगर के गणमान्य उपस्थित थे। हेमू कालानी जी का जन्म दिवस भी, हेमू कालानी जी का जन्म दिवस भी 23 मार्च 1924, जिस दिन इस वीर बालक का जन्म माता जेठीबाई। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि सिंधी समाज अमर शहीद जवान कालानी जी के बलिदान को सदैव याद रखेगा। स्थानीय घंटाघर पर समस्त सिंधी समाज एवं दमोह नगर के प्रमुख जनों के बीच शहीद हेमू कालानी दिवस को सभी लोगों ने मनाया। हम सबको ये गर्व का विषय है और ये बहुत ही चिंतनीय बात है। एक ऐसी युवा जो महज 19 वर्ष की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हजारों हजारों वीरों के बीच एक ऐसे वीर हेमू कालानी जी जिनका शहीद दिवस आज हम सभी लोग मना रहे हैं, उनके चरणों में मैं भारतीय युवा मोर्चा की ओर से सब सब नमन करता हूँ। का ये कार्यक्रम भारतीय हिंदू सभा सिंधी समाज दमोह द्वारा आयोजित किया गया, जो कि अमर शहीद हेमू कालानी जी के 76वें बलिदान दिवस के रूप में श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आयोजित किया गया। हेमू कालानी जी एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में ही अपने प्राण त्याग दिए थे इस भारत माँ की आज़ादी के लिए। उन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु से ही इस वीर बालक ने अपने कार्य भारत माता के लिए आरंभ कर दिए थे। हेमू कालानी जी अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में रहने वाले सखर जिले के व्यक्ति थे, जहाँ से उन्होंने अपनी इस भारत माँ की आज़ादी के लिए जो यात्रा आरंभ की, वो यात्रा उन्होंने अपनी 21 जनवरी 1943 में फांसी के रूप में स्वीकार कर भारत माँ की आज़ादी के लिए अपनी आहुति दी। हम सभी नौजवान मंडल आज आदरणीय हमारे सम्मानीय श्री हेमू कालानी जी के शहीद जी पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हेमू कालानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अखंड भारत जब उस समय उसका जन्म हुआ, जिन्होंने 19 वर्ष की आयु में देश में स्वदेशी की स्थापना एवं आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस अवसर पर सिंधी समाज युवा मोर्चा के सदस्य एवं नगर के गणमान्य उपस्थित थे। दमोह से अभिषेक जैन की रिपोर्ट, SCN न्यूज़।